हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर वन चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जहां दोस्तों यानी आज का हम लोग क्लास कवर करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले 2022 के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा बुक को अध्ययन करने के बाद जो मेन पॉइंट, जो मेन बिंदु निकला है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को यानी कलेक्ट किया गया और इसमें लेकर के आए हैं। ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को ही कलेक्ट किया गया है। तो ये वीडियो आपके काफी महत्वपूर्ण है। जितना कम कहा जाए, जितना ज्यादा कहा जाए, उतना कम है। तो आपको जैसे पता होगा, ये न्यू पैटर्न पर आधारित आपको यहाँ क्वेश्चन सब मिलेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी क्लास में पूरी तरह से लाभ ले सकेंगे। चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और साथ में आपको यह भी बताना कितने सारे क्वेश्चन का आंसर पहले से आपको मालूम था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस दिया हुआ है, उसके बाद सऊदी अरब दिया हुआ है, उसके बाद आपका वेनेजुएला दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो यानी तेल उत्पादक जो है, आप लोग सब कोई जानते हैं कि सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, एक नंबर का सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्राचीन क्रियाकलाप था, यानी मानव जो प्राचीन जो क्रियाकलाप थे, जो पहले के जमाने में जो कौन सा यानी क्रियाकलाप बहुत ज्यादा यानी चल रहा था? तो आपको होगा आखेट एवं संग्रह, पशुपालन, खनन, बुनाई। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा अगर पुराना अगर माना जाए तो वो आखेट एवं संग्रह। तो दो नंबर के सवाल का आपका राइट जो आंसर बनता है तो क्या होता है, यानी आखेट एवं संग्रह, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, यानी निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस में, जापान में, ठीक है, जर्मनी में, या संयुक्त अमेरिका में? तो हम लोग न्यूनतम जो पाई जाती है किस राज्य में, किस देश में पाए जाते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो जान लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी फ्रांस में जो है न्यूनतम दर पाई जाती है जन्म दर, ठीक है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा जो यानी जनसंख्या केंद्रित है वो किस स्थान पर होता है, पर्वतीय प्रदेशों में, या आपका पठारी प्रदेशों में, या मैदानी प्रदेशों में, या मरुस्थलीय प्रदेशों में? तो कौन सा प्रदेश में सबसे ज्यादा यानी जो जनसंख्या केंद्रित होते हैं, तो कौन सा स्थानों में होता है, आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैदानी प्रदेशों में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन आधुनिक मानव भूगोल के पिता के रूप में जाने जाते हैं? विडाल डी ब्लास, मतलब इलिस वर्थ हंटिंग, मतलब क्या है, हटिंगटन, या आपका फ्रीडरिक ज्रेडजेल, या आपका कुमारी एलन सैंपल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक ज्रेडजेल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, मुंबई में सबसे पहले आधुनिक, मतलब आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, क्यों किया गया था? मुंबई का एक पतन है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र है, या आपका उपयुक्त सभी? तो बताइए, मुंबई में जो सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित जो किया गया था 1854 में, आप लोगों को पता होगा कि 1854 में सबसे पहले यानी कहां यानी लागू किया गया था, यानी जो सूती वस्त्र कपड़ा का जो मिल स्थापित किया गया था मुंबई में, किया गया था 1854 में। तो आखिर यहां क्यों किया गया था, यह चीज आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, इसका यह जो होगा, यानी तीनों चीज यहां केंद्र है, मुंबई एक पतन है, यह कला, मतलब क्या है, कपास उत्पादक के लिए क्षेत्र के निकट पड़ता है, और साथ में यह मुंबई एक क्या है, वित्त राजधानी है, यानी वित्त केंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट आंसर। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की अनुवकरणीय, मतलब अनवीकरणीय स्रोत है? जल, सौर, कोयला, या पवन? तो 7 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में आपको कलेक्ट करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका, डेफिनेटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शुष्क भूमि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? रागी, मूंगफली, या आपका ज्वार, या गन्ना? तो राइट आंसर बताइएगा, शुष्क भूमि जो है यानी कौन सा फसल नहीं बोई जाती है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी बच्चों को पता होगा, यानी गन्ना को जो है यानी शुष्क भूमि में इसको यानी फसल नहीं बोया जाता है, ठीक है। कौन सा देश रेल मार्ग नेटवर्क का सबसे अधिक घनत्व रखा जाता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, सबसे ज्यादा जो रेलवे लाइन या रेल मार्ग जो बिछा हुआ है किस देश में है? ब्राजील में है, या आपका रूस में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका, या कनाडा में? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो यानी रेल लाइन जो बिछा हुआ है, सबसे ज्यादा नेटवर्क जो है किसका है, यह आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, दूसरा चीन का, तीसरा भारत का आता है, ठीक है। दूसरा में कौन है, चीन है, तीसरा में भारत है। निम्नलिखित में से यानी कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पाद करता है?
गृह उद्योग या लघु उद्योग या आपका यानी बेसिक उद्योग या आपका फुटलोज उद्योग, तो बताना है 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग इसका अगर आंसर की बात कर ले तो बेसिक उद्योग ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा बगानी फसल नहीं है, कॉफी, गन्ना या आपका गेहूं या आपका रबर। तो हम लोग जानते हैं जो बगानी फसल जो नहीं है, इन चार ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी गेहूं जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की, निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है, अफ्रीका में है, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में है। तो 12 नंबर सवाल का आंसर बताना है, निम्नलिखित में से किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि जो है किस महादेश में पाया जाता है। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो है यानी किस में है, अफ्रीका महादेश में या एशिया में, तो सब जानते हैं यानी कौन सा में, एशिया महादेश में है, कोई बताते हैं अफ्रीका में, लेकिन आई थिंक अब जो नया रिपोर्ट जो आया बता रहा है कि एशिया में, ठीक है, तो ये चीज आपको बता होना चाहिए। बात करते हैं हम लोग दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, बाढ़ के मैदानी में या आपका समतल पठारों पर या उच्च द्वाबों पर या आपका नदी घाटी के उच्च भागों में। तो 13 ना दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, इसका इन दोनों में से आप लोगों को बताना इन दोनों में से क्या आंसर होगा, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, बाढ़ के मैदानों में या समतल पठारों पर या उच्च द्वाबों पर या आपका नदी घाटी के उच्च भागों में। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर नदी घाटी के उच्च भागों में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक नगरीकृत देश है जो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग जानते भी होंगे, शायद कहीं सुने भी होंगे, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो सबसे अधिक यानी नगरीकृत देश है। चलिए बात करते हैं मानव विकास सूचकांक में, सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंचना, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो जानते हैं मानव विकास सूचकांक जो होता है, तो ये जो होता है यानी सभी चीज की यानी सुविधा होता है, जहां स्वास्थ्य अच्छा होता है, संसाधनों तक पहुंच पाता है, पहुंच है या शिक्षा, यानी ये तीनों पॉइंट जो जिस देश का हो अच्छा रहता है उसको ज्यादा यानी मानव सूचकांक में रैंक मिलता है। जैसे कि हम लोगों का अभी जो 129 या 127 है, आई थिंक अभी हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, लेकिन जिसका ज्यादा ये चीज अच्छा होता है उसको ज्यादा यानी रैंक मिलता है। 1 नंबर पे आपको बता होगा ये 1 नंबर पे जो है आपका कौन है, ये आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है, महाराष्ट्र, दिल्ली या आपका गुजरात या हरियाणा। तो बताइए भारत में कौन सा राज्य प्रवास को आकर्षित करता है। तो 16 नंबर सवाल की अगर बात कर ले हम लोग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की, ऊर्जा के विकल्प स्रोत निम्न में से कौन सा है, सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा या आपका भूतापीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर सवाल की अगर बात कर ले, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत निम्न में से कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से यानी कौन सा है, 17 नंबर का जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ये तीनों पॉइंट जो है बहुत ही क्या है यानी स्रोत है, किसका, ऊर्जा विकल्प का, ठीक है, ऊर्जा स्रोत का। मतलब अनानास किस प्रकार की कृषि का उपज है, मतलब क्या है, दुग्ध कृषि या आपका रोगन कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि या आपका मिश्रित कृषि। तो 18 नंबर सवाल का आंसर बताना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अनानास जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है। चलिए इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो भूमध्य सागरीय कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की, ग्रामीण बस्तियां में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है, व्यापार का या कृषि का या आपका निर्माण उद्योग या आपका मिट्टी उद्योग। तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है, ग्रामीण बस्तियां में जो किस प्रकार की प्रधान पाई जाती है, सब कोई जानते हैं क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कृषि जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की, जनांकीय संक्रमण यानी जो की डेस अवस्थाएं होती है, दो अवस्था होती है, तीन अवस्था होती है, 6 या आपका 7। तो सब कोई जानते हैं जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं वो कितने अवस्थाएं होते हैं, सब बच्चे जाना जरूरी है चीज। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, तीन अवस्थाएं पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रैक फार्मिंग के लिए देश विश्व प्रसिद्ध है, ट्रैक जो फार्मिंग जो के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जो इनमें से इन चार ऑप्शन में से जो कौन सा होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील में कॉफी बगान को देश कहा जाता है, यानी ब्राजील में जो कॉफी बगान को क्या नाम दिया जाता है, सर जैसे कि हम लोग बगान कहते हैं यानी कॉफी बगान कहते हैं अपना भारत में, ठीक है, ब्राजील में कॉफी बगान को क्या कहा जाता है, तो सबको बताना चाहिए। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी फेजेंडा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, 1992 से 1997 तक भारत में देश पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, 9वीं का, 7वीं का या 8वीं का या 10वीं का। सब जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो होता है 5 साल पे होता है, सबसे पहले जो हुआ था कब हुआ था पता होना चाहिए, 1951 से 1956 तक चला था, 1951 से 1956 सबसे फर्स्ट जो हुआ था, 1951 से 1956 तक हुआ था, दूसरा जो हुआ था आपको बताइए होगा 56 से 61। तो ये इसी तरह का यानी पंचवर्षीय योजना
5 वर्ष का होता है। तो ये जो होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सभी बच्चे का, तो 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 8वीं था, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग धवेनी, धवेनी की तीव्रता में मापी जाती है डेसिबल में, कि मिलोमीटर में, किलोमीटर में, हर्ट्ज में, सबको पता होना चाहिए। धवेनी को जो मापा जाता है डेसिबल में मापा जाता है, 24 नंबर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसमें मापा जाता है, यानी डेसिबल में मापा जाता है। बात करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन औसत्य कथन है, यानी इन चार ऑप्शन में कौन सा यानी औसत्य कथन है। संभववाद में के समर्थक ब्लास थे, क्या थे ब्लास, 25 का आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे कि पता होगा यानी संभववाद के समर्थक ब्लास भी थे, तो ये राइट है, सही है ये चीज। चिप है, मतलब है, चिकल जेपोटो वृक्ष के दूध से नहीं बनता है, क्या नहीं बनता है, चिप है मतलब है, चिपक यानी चिकल जो जेपोटा वृक्ष के दूध से नहीं बनता है, ये गलत बात है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही होगा, ठीक है। ये भी इसका सत्य है, ये भी सत्य है, तो ये जो इसका रॉन्ग है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की, राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का, तो पहला ऑप्शन में दिया निम्न में से कौन सा सत्य कथन होगा, इनमें से बिंग इंच पाइपलाइन द्वारा दूध का परिवहन किया जाता है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये करेक्ट है क्या, दूसरा में आपका दिया है बिंग इंच पाइपलाइन द्वारा पानी का परिवहन किया जाता है, ये सही है क्या, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, ये सही है क्या, एल्युमिनियम उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है। तो इन चार ऑप्शन में आपको कौन यानी करेक्ट लगा, इसका आंसर वही होगा। तो राइट आंसर अगर हमको लगा क्या, यानी जो है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा जो होता है पेट्रोल का परिवहन किया जाता है, ये राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 का, निम्नलिखित में कौन सत्य कथन है, इन चार ऑप्शन में आपको कथन सत्य चूजना है, या जनांकी की संक्रमण दूसरा अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, जनांकी की संक्रमण की पहली अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, या जनांकी की संक्रमण की तीसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, या सभी कथन गलत है। तो पता होना चाहिए इनमें से आपको सत्य कथन चूज करना था, तो 27 की अगर हम लोग बात कर ले, सभी को पता होना चाहिए कि ये भी यानी गलती है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं इनमें से फिर औसत्य कथन को चूज करना है, बताना है इसका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र में स्त्रियां की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक होती है, सबसे पॉइंट पहला तो यही गलती हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाता है, ये जो है ये तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है, पारा को, सीसा को, पीतल को, या पेट्रोलियम को। हम जानते हैं कि तरल जो सोना जो कहा जाता है यानी किसको कहा जाता है, चलिए बिल्कुल पेट्रोलियम को हम लोग तरल सोना कहे जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा पेट्रोल अभी 110 रुपया यानी लीटर है, तो बताइए कितना महंगा है, तो ये तरल सोना से ज्यादा भाव का ये माना जाता है। चलिए विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 28 है, 48 है, 55 है, या आपका 65 है। तो विश्व में नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत है वो क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, 48 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को अनेक नियत स्थान तक पर पहुंचाती है, 25 लाख या 2.3 करोड़ या आपका 10 करोड़ या 50 लाख। भारतीय रेल प्रतिदिन कितने यात्रियों को उनके नियत स्थानों पर पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका बी हो जाएगा, यानी 2.3 करोड़ यानी 2.3 करोड़ इन आदमी को यानी क्या कहा जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है, रेल द्वारा प्रतिदिन। भारत में प्रतिदिन कितने रेलगाड़ियां चलती है, 12,617, 12,680, 10,500, 11,670। तो अभी वर्तमान में जो है अभी थोड़ा सा लॉकडाउन की स्थिति बना हुआ है, इसके रीजन से अभी ट्रेन जो बहुत कम चलती है, लेकिन पहले जो चलता था जिसका रिपोर्ट है आपके पास 32 नंबर सवाल का, तो पता होना चाहिए उस समय जो चलते थे 12,617 ट्रेन चलते थे, ठीक है, रेलगाड़ियां चलती थी। दिल्ली और मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है, दिल्ली और मुंबई को जो कौन सा राष्ट्रीय महामार्ग जोड़ता है, ये चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर, राष्ट्रीय मार्ग 8 जो है वो जुड़ता है किसको, दिल्ली और मुंबई को। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 का, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, 1853 में, 1856 में, 1840 में, 1836 में। तो हम लोग जानते हैं भारत में सबसे पहले जो रेलगाड़ी चलाया गया था वो मुंबई से थाने तक चलाया गया था, और कितना किलोमीटर तक चलाया था, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 34 किलोमीटर तक चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था, 1853 में मुंबई से थाने तक चलाया गया था। बात करते हैं हम लोग सीमा
सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था, 1950, 1960, 1962, 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, इसका राइट आंसर की अगर बात कर ले हम लोग तो 1960 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, कृषि विकास, पारितांत्रिक विकास, या आपका परिवहन विकास, या आपका भूमि उपनिवेश विकास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का राइट आंसर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब परितंत्र विकास हो जाएगा। बात करते हैं 37 का, लिमिटस टू ग्रोथ पुस्तक का अधिकृत लेखक कौन है, ब्रैंड लैंड, या आपका हो जाएगा मोडी रू तथा अन्य, या आपका एलियोट और अन्य, या वाकार तथा अन्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का, लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक अधिकृत लेखक कौन है, इसका जो लेखक है तो क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल सही आंसर वकार जो था इसका, और उसके साथ भी अन्य लोग भी इसका लेखक है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग कौन सा पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल दी थी, ठीक है, तृतीय, चौथी, या आपका पांचवी, या आपका आठवीं। तो जानते होंगे आप लोग अगर पढ़े होंगे बुक के तो पता होगा, यानी चौथी जो है पंचवर्षीय योजना में जो है यानी विचारधारा पर यानी बल दिया गया था, योजना पर स्पष्ट रूप से विचारधारा पर उस पर बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं किस वर्ष में कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया था, 1988 में, 1974 में, 1986 में, 1992 में। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले 1900 मतलब किस वर्ष है कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया था, इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1988 विल द राइट आंसर हो जाएगा। टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई थी, 1944 में, 1952 में, 1956 में, 1936 में। तो टाटा और बिरला जी जो मुंबई योजना जो बनाया गया था वो कब बनाया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1944 में। बात करते हैं हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन का, एमएस विश्वेरैया ने 10 वर्षों की योजना कब प्रकाशित की थी, 1836, 1936, या आपका 1944, या आपका 1926। तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें 41 नंबर क्वेश्चन का तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1936 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, योजना कहते हैं, विकास कहते हैं, योजना कहते हैं। क्रियाओं में जो विकास विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल पता होगा, यानी नियोजन होता है, ठीक है, पहले नियोजन होता है, नियोजन किया जाता है, योजना अलग होता है, नियोजन अलग होता है, इसका डेफिनेशन आप लोगों को बाद बताएंगे। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, उद्योग पर, कृषि पर, योजना पर, राष्ट्रीय आय पर। तो 43 का आप लोगों को पता होगा, जो 43 का यानी राष्ट्रीय आय पर डिवाइड किया जाता है कुल व्यक्तियों को, ठीक है। चलिए बात करते हैं किस पंचवर्षीय योजना में भारत में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना हो गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है आपका, चौथी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना। तो यानी जो पंचवर्षीय योजना भारत में समाजवादी मतलब समाजवादी समाज की जो स्थापना के प्रस्तुत रूप किया गया था वह कब किया गया था पता होगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। बात करते हैं उन क्षेत्रों में कौन सा विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था जहां 50% से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं, जनजातीय विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, या गहन कृषि विकास कार्यक्रम, या आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो 45 का बताना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय विकास कार्यक्रम। बात करते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन का, रोजगारों की संख्या 2000 में कितनी हो गई है, 30.3 करोड़ हो गया, या 33.3 करोड़, या आपका 39.7 करोड़, या 27.9 करोड़। तो रोजगारों की संख्या मात्र कितना है, यानी 2000 है, और इसमें जो लोग है तो वो लोग कितना पड़ता है उसके ऊपर मतलब डिपेंड है, कितना लोग रहता है उसमें। तो 46 का आपका हो जाएगा, यानी 37 करोड़ लगभग, यानी 38 करोड़ लोग जो है डिपेंड रहता है मात्र, यानी 2000 सीटों पर 40 करोड़ यानी 38 करोड़ लोग रहता है क्या, डिपेंड रहता है, बताइए कितना हम लोग यानी पीछे हैं। तो बताइए ये चीज़ बहुत यानी चिंता करने वाली बात है कि 2000 मात्र जॉब है और इसमें व्यक्ति का संख्या जो है मतलब कितना है, 38 करोड़ की बात हो रही है, 38 करोड़, ठीक है, समझ रहे बात को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की, गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। यानी हम लोगों का जनसंख्या तो बहुत है लेकिन हम लोगों के पास काम नहीं है इसलिए हम लोग पीछे हैं। जितना व्यक्ति हैं अगर इतना व्यक्ति को पूर्ण रूप से अगर मिल जाता है अगर जॉब तो बताइए क्या होगा, कहां तक चल जाएगा अपना देश, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी को कलेक्ट किए थे और ये टोटल मिला करके 47 हुआ था। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद
पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दोस्त एक लाइक कर देना, साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देना, क्योंकि मैं आपका आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप भी जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप लोग टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज का वीडियो हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।